आज हम सभी यहाँ एकत्रित आए हैं एक पत्रकार वार्ता को लेकर के। वैसे तो हम सबको ज्ञात ही है कि कल विजयदशमी दशहरा का उत्सव है और इस दशहरा उत्सव से पूर्व एक बार एक परंपरा बनी है कि पत्रकार वार्ता करना, कोई जानकारी देना, नहीं तो कोई बड़ा नया तो उसमें होता नहीं। तो मेरे साथ श्री संजय गुप्ता जी हैं, श्री सनातन धर्म सभा के महामंत्री, दिलीप जी हैं सभा के मंत्री हैं, श्रीमान अनिल मंगोत्रा जी हैं सभा के कोषाध्यक्ष हैं। तो हम केवल इतना बताने के लिए आज यहाँ एकत्रित आए हैं कि कल दशहरा हो रहा है और जैसा एक परंपरा है कि ये दशहरा हम करते हैं इसलिए कि भगवान राम ने जब 14 वर्षों के वनवास के पश्चात रावण को रक्त स्नान कराया और माँ जानकी को अयोध्या वापस लाए तो वो जो बुराई पर अच्छाई की एक भावना थी उसको लेकर यह पर्व मनाया जाता है। परंतु इस भारतवर्ष में और विदेशों में भी जब दशहरा मनाया जाता है तो कई स्थानों पर दशहरा मनाने का एक दूसरा स्वरूप रहता है। जैसे कर्नाटक के अंदर रहता है मैसूर में, वहाँ माँ भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध कर करके वो एक दृश्य दिखाया जाता है। किस प्रकार वहाँ पर भी एक राक्षस प्रवृत्ति के ऊपर एक मानवीय प्रवृत्ति द्वारा विजय प्राप्त होती है। इस संसार में 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं, आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है और मोहिनी प्रवृत्ति है। तो आसुरी प्रवृत्ति में व्यक्ति अपना उद्देश्य पूर्ण करता है, राक्षसी प्रवृत्ति में दूसरे को हानि पहुँचा कर करता है, परंतु मोहिनी प्रवृत्ति में वो सबका विनाश करके अपना उद्देश्य पूर्ण करता है। आज देश विदेश के अंदर हम देख रहे हैं चारों ओर सबका विनाश करके मैं सुखी हो जाऊँ, इस प्रकार की भावना को लेकर, मतलब आसुरी वृत्ति राक्षसी वृत्ति के अतिरिक्त जो मोहिनी प्रवृत्ति है उसका इस कलयुग में प्रभाव है। वैसे प्रत्येक युग में अच्छाई और बुराई का सामना होता ही रहा है। यहाँ सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, वहाँ त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, वहाँ द्वापर युग में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। धर्म की स्थापना कले सदैव हर युग में युद्ध हुआ, परंतु अंततगत्वा धर्म की ही विजय होती है, ये हमने देखा है। तो कलयुग में भी बहुत सारी शक्तियाँ लगी हैं जो दशहरा स्मरण करवाता है कि नहीं, इस संसार के अंदर अंत में धर्म की, सत्य की, मर्यादा की, त्याग की, निस्वार्थ भाव की, पुरुषार्थ की ही विजय होगी। इसलिए हम लोग कल श्री सनातन धर्म सभा की ओर से जहाँ दशहरा परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा, लगभग 4:30 बजे का समय हमने सारे समाज को दिया है और आज इस पत्रकार वार्ता द्वारा सारे समाज को निवेदन कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई व्यवस्था में गड़बड़ ना हो, इसलिए समय पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कल श्री जुगल किशोर जी जो इस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद हैं वह मुख्य अतिथि रहेंगे, उनके साथ जम्मू के पूर्व मेयर श्री राजेंद्र शर्मा जी रहेंगे, उनके साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कमिश्नर देवांश यादव जी रहेंगे और अन्य भी कई लोग, डायरेक्टर टूरिज्म के रहने की संभावना है, बहुत सारे अन्य बंधु जो वर्तमान लोकतंत्र पद्धति के अंदर जो एक चुनाव की प्रक्रिया रहती है उसमें चुनकर आने वाले बंधु भी हैं, संभवतः वो सब भी वहाँ आएंगे उस कार्यक्रम में भगवान राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए। इस प्रकार ये कार्यक्रम वहाँ रहने वाला है। मैं एक बात और आपके माध्यम से अगर आप सब ठीक समझें कहना चाहता हूँ, इस समय पूरे देश के अंदर सुदूर दक्षिण में हम देखें या हम मध्य भारत में कहीं उत्तर प्रदेश बिहार में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने एक छोटे स्वार्थ के लिए, केवल मात्र इस छोटे से जीवन के अंदर जो स्वार्थ है, ये अरबों साल की सृष्टि है लेकिन छोटे स्वार्थ के लिए वह सनातन जो त्रेता युग से सतयुग से चलता आ रहा है उसको अपमानित करते हैं, अपने शब्दों से सनातन का अपमान करते हैं। और कई बार तो हम सनातन को समाप्त न करते हैं, मैं कहता हूँ ऐसे मूर्खतापूर्ण ज्ञान देते हैं। तो कोई कहता है मैं शक्ति के साथ लड़ रहा हूँ, कोई कहता है सनातन नष्ट करूँगा, और एक बंधु का नाम नहीं लूँगा, विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी पिछले दिनों में कहा मेरी लड़ाई तो किसी विपक्षी पार्टी से नहीं, राजनीतिक पार्टी से नहीं, मेरी लड़ाई तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर से है। बंधुओं ये बहुत बड़ी गहरी बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत की संस्कृति के खिलाफ। भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। शबरी द्वारा चखे हुए बैरों को भगवान राम द्वार खाना, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
भगवान कृष्ण द्वारा अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोना, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गऊ को माता कहना और हर उस वस्तु को जिससे हमें कुछ मिलता है, गंगा माता वो हमें जल देती है, गऊ माता हमें दूध देती है, धरती माता वन देती है, ये भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या कहते हैं ये लोग इस भारत भूमि पर सनातन वैल्यूज ऑफ लाइफ के अंदर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करेंगे। ये बहुत हास्यास्पद लगता है। अभी बहुत सारी संस्कृतियाँ इस विश्व के अंदर हैं, उनके युग चलते नहीं, उनके वर्ष चलते हैं, कोई 1400 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, लेकिन सनातन संस्कृति के वर्ष नहीं चलते, सम्मत नहीं चलते, इनके युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसलिए हमारा इतिहास जो है, मैं बड़े विश्वास के साथ सनातन धर्म सभा का अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर जब सारी सृष्टि समाप्त होगी तो जो आखिरी व्यक्ति होगा वो सनातनी होगा। तो आज इस दशहरा के पर्व पर मैं सभी जम्मू नगर वासियों को, जम्मू कश्मीर प्रदेश के वासियों को और पूरे संसार और विश्व भर के राम भक्तों को एक निमंत्रण देता हूँ, वह अपने अपने स्थानों पर दशहरा मनाएं, परेड ग्राउंड में भी दशहरा देखने यहाँ के लोग आएँ। कहीं दशहरा नहीं मनाया जा सकता, भगवान राम के आदर्श जीवन पर कुछ कथा करें, प्रवचन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को परोपकारार्थ इदम शरीरम, ये शरीर मनुष्य का दूसरे के उपकार करने के लिए बना है, परोपकार आए, पुण्य आए, पाप आए, परपीड़नम, ये भारत की संस्कृति है, इसका अनुसरण करते हुए सारे विश्व के अंदर शांति की स्थापना करें।